चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस सच दैट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय 4t³ - 2t, वेयर टी इज सेकंड इन सेकंड एंड द वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। सबसे पहले वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4t³ - 2t, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 मीटर जब ओरिजिन से ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है तो उसका एक्सेलेरेशन कितना होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, v इक्वल टू आप dx बाई dt लिख सकते हो, v इक्वल टू 4t³ - 2t ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dx इज इक्वल टू 4t³ - 2t इंटू dt, और इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, dx इज इक्वल टू 4t³ - 2t dt, ठीक है, करेक्ट है। ये क्या आएगा, x आएगा, x इज इक्वल टू 4t⁴ / 4 - 2t² / 2, 2 कटा, 4 से 4 कटा, x इज इक्वल टू t⁴ - t², करेक्ट है। अब अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ जैसा इसमें बोला है, तो कितने टाइम पे ये 2 मीटर पे पहुँच जाएगा ये हमको पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूँ, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 इज इक्वल टू t⁴ - t², करेक्ट है। तो t⁴ - t² - 2 = 0, ठीक है। इसको आप t² को अगर z कंसिडर कर लें तो z² - z - 2 = 0, z² - 2z - plus z - 2 = 0, और इसको ले सकते हैं z कॉमन लेना, z - 2 + 1 कॉमन लेना, z - 2 = 0 फैक्टर कर दिया हमने, z - 2 और z + 1 = 0, तो z - 2 = 0 होगा। z का मतलब t² = 2, यानी t = √2 सेकेंड। रूट टू सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन से 2 मीटर पहुंच जाएगा, कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में, रूट टू सेकेंड में। अब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर इस वेलोसिटी के इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन निकलेगा। तो 4t डिफरेंशिएट करेंगे 3t², थोड़ा इसको ठीक से लिख दें, थोड़ा मिक्स हो गया, ये कीजिएगा 3t² - 2 × 1 क्या हो जाएगा 12t² - 2। तो वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मींस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो t इज इक्वल टू कितने पे एक्सेलरेशन निकालना, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू √2, तो यहाँ पर t की जगह √2 पुट कर दो, √2² - 2 कितना आएगा 12 × 2 - 2 = 24 - 2 = 22 होगा, 22 m/s² ये एक्सेलरेशन होगा t इज इक्वल टू √2 सेकेंड पे, जब वो 2 मीटर पे पहुंच चुका है 22 m/s। ये बी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।